Best real smile. Best अरे real. यार इनको वापस से बुलाओ. हरि जी, अरे आपको क्या लगता है किसे दिया जाना चाहिए बेस्ट रियल स्माइल अवार्ड? मैं तो बोल रहा हूँ बुला सकते हैं मुस्तान भाई को, लेकिन वो आएंगे तो पूरे सात भाई आ जाएंगे. दिल से देखो 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 देखो. चलो यार स्माइल तो दे रही है दिव्या. आ जाओ दिव्या, आइए. खुश हौसला दिव्या जी को ये दिया जाता है इनकी द बेस्ट. ये हो लो मैडम, ये स्माइल ये अवार्ड के लिए दे रही हो या पिक्चर बड़ी हिट हो गई इसलिए? आ जाओ डेब्यूटेंट डायरेक्टर. कंग्रेचुलेशंस, इतनी बड़ी हिट हो गई आपकी पिक्चर और ये अवार्ड लेके जा रही हो. ये आपके लिए अवार्ड ले, हम ही रखें. चलो एक फाइनल अवार्ड है. मेरा नंबर कब आएगा अवार्ड? मेरा नंबर कब आएगा? वो होता ना कि हर बार सोचते हैं मेरा नंबर कब आएगा, इसको भी मिल गया उसको भी मिल गया, लेकिन मेरा नंबर कब आएगा? ऑडियंस चॉइस से ये अवार्ड जाता है. सलमान का. थैंक यू. कैसा लग रहा है आपको ये? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है. और स्पेशली ये जो अवार्ड जो अभी दिव्या ने और रमेश जी ने रिफ्यूज की, एंड आई एम ऑनर्ड, आई एम प्रिविलेज्ड, और आई थैंक माय होल फैमिली, एंड आई एम दिस इज टू ऑल यू गाइस. थैंक यू. कहां आप भी छोड़ के जा रही है मुझे? This is the reaction that I'm getting everywhere. Strange है कि आप सब हम सब यहाँ पर आते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के जाते हैं. इसीलिए हमने एक नया अवार्ड इंट्रोड्यूस किया है, बेस्ट ऑडियंस अवार्ड. प्लीज वेलकम रितेश देशमुख. Bow. Oh. Guys, I love how. Yeah. Yeah, I love how. तो पहला अवार्ड है मैं यहां क्या कर रहा हूं. और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों में से सिर्फ एक ही को चुना गया है, श्री रमेश तौरानी जी. प्लीज आइए. आइए ना. सर आपको अवार्ड मिल रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इतना महत्वपूर्ण अवार्ड है, आपको कैसा लग रहा है? दिस इज द फर्स्ट वन ऑफ अ काइंड अवार्ड, यू नो. ये बताओ कि किस लिए दे रहे हैं अवार्ड? अरे सर वही ना कि वो ये कि यहाँ पर ऑडियंस के अवार्ड दे रहे हैं, और ऑडियंस का ये अवार्ड है कि मैं यहाँ पर बड़ी क्या कर रहा हूँ. ये प्रोड्यूसर्स गिल्ड का अवार्ड है, फेटर्निटी का अवार्ड है. अरे तो सब प्रोड्यूसरों को आना है यहाँ. रमेश जी आप नहीं समझोगे यार. But Ramesh ji is one of the most, sir, मुझे मेरा हक दे दो. Most lovable people in the film industry. Hug Ramesh ji. अरे award कहाँ है? Award कहाँ? Award लेके गई. Oh Mikey. Award तो दो. मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इतना बड़ा award है. इतना बड़ा award है. ये कर सकती हूँ. Yes. इसको आप ही रखो. सर ये आपके लिए. दूसरा अवार्ड. हाँ
दूसरा मुकदमा शुरू किया जाए. टू माय लेफ्ट लॉयर अरशद वारसी. थैंक यू जी. मैं आ गया. एंड टू माय राइट लॉयर बमन ईरानी. मैं लॉयर हूं या लायर है? वेरी ओल्ड जोक अरशद. अच्छा मुकदमा शुरू किया जाए. शुरू किया जाए. बहुत पेचीदा केस है ये, क्योंकि सलमान भाई ने टीवी पे देखा है कि लोग टीवी पे बार बार बोल रहे थे होनी चाहिए होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए पता है आप लोगों को? शादी सलमान भाई की अब होनी चाहिए कि नहीं? नहीं ना बकवास है. क्या शादी को जबरदस्ती है क्या? होनी चाहिए कि नहीं बोलो. ऐसा तुम्हें जबरदस्ती है शादी? बकवास चीज है यार. शादी करके किसने क्या उखाड़ लिया? कोर्ट की तोहिन हो रही है. दिस इज नॉनसेंस. प्लीज मेक योर केस. कोई तोहिन नहीं हो रही. मैं बता रहा हूँ, एक मैं किस्सा सुनाता हूँ. मेरा एक दोस्त है, शादी की उसने, ठीक है. शुरुआत में ऑफिस से आता था, बीवी चप्पल लेके जाती थी ऐसे, और एक छोटा सा टॉमी टाइप का कुत्ता था, भोगता था, प्यार से जम मारता था, ये सब करता था. 10 साल हो गए शादी को, आज कुत्ता चप्पल लेके आता है, बीवी भोगती है वहां पे. ये होती है लाइफ शादी के बाद. फर्क क्या पड़ता है? सर्विस तो यही मिल रही है ना. सलमान भाई शादी होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं बोलिए आप लोग. आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू सलमान भाई. यस और नो? हाँ, इसलिए मैं इस कोर्ट में, इस मुकदमे में पेश करना चाहूंगा एक गवाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट गवाह है, जो प्रूफ करेगा आप लोगों के लिए शादी अच्छी चीज है. तो मैं कोर्ट में बुलाना चाहूंगा मिस्टर कयोसे ईरानी को. केम छो शुक्र है. कोर्ट है, घर नहीं. इस दरवाजा मेरा बेटा है, जस्ट बाय द वे इन केस यू डोंट नो. सलमान भाई ये मेरा गवाह है और प्रूव करेगा आपको कि शादी होनी चाहिए. ऑलराइट? आई डोंट थिंक सो. प्लीज गवाह को बोलने दीजिए. अच्छा कहा था सलमान खुले सांड की तरह घूम रहा है, छोड़ दो यार. गवाह को बोलने दीजिए. ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर. प्रूफ करने से मतलब ये थोड़ी होता है कि सच हो जाए. कहो जी रानी बोलिए. सी बॉम्सी. बॉम्सी मिस्टर ईरानी. मिस्टर ईरानी राइट. हम दोनों एक ही घर में रहते हैं. राइट. आप शादीशुदा है. राइट. मैं शादीशुदा नहीं हूं. राइट. तो फिर हम दोनों के बीच खुश कौन है? आई रेस्ट माय केस. आई रेस्ट माय केस. थैंक यू. फैसला सुनाइए प्लीज. बेसिकली शादी नहीं करना चाहिए. तो यू सीरियसली आपको ऐसा लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि शादी करनी चाहिए. तेरे को ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए? पक्का है ना? मेरे पास बहुत सारे मुहावरे हैं जो मैं अभी सुनाऊंगा नहीं. नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस साइड पर जाऊँ. है ना? यहाँ जाओ. पक्का? मैंने कोई जजमेंट नहीं सुना है, लेकिन इस वक्त अरशद बमन आपको अवार्ड दे के जाना है. बिल्कुल. और वो अवार्ड है बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल. कॉमिक रोल ही होगा. कैन वी हैव द नॉमिनेशंस प्लीज.